हेलो जी, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है हिमानी और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आई एम श्योर कि आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं या आप यूरोप का ट्रिप प्लान कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि शेंगेन वीज़ा लेना कितना ईजी है, क्या प्रोसेस है और क्या ऐसे टिप्स हैं जो फॉलो करके आपको शेंगेन वीज़ा मिल जाएगा, आपका शेंगेन वीज़ा अप्रूव हो जाएगा, इसके चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो क्योंकि हमने, मेरे और मेरे हस्बैंड, मैंने और सागर ने रिसेंटली शेंगेन वीज़ा अप्लाई किया था और हमारा वीज़ा आ चुका है, मतलब जितनी खुशी हम दोनों को यूएस वीज़ा मिलने की हुई थी उससे कई गुना ज़्यादा हम दोनों को शेंगेन वीज़ा मिलने की हुई। अब वो क्यों? क्योंकि प्रोसेस हमारा थोड़ा सा लेंदी हो गया था। आइडियली 15 डेज लगते हैं ऐसा हर जगह मेंशन है, बट कुछ एक हमारी ऐसी गलती हो गई थी जिस वजह से हमारा वीज़ा आते आते करीबन 20 दिन हो गए। तो वो क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, वो सब कुछ ना मैं इस वीडियो में बताऊंगी और कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ आपको 5, जिसको फॉलो करके, जिसको ध्यान में रख के आप अगर शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। टिप नंबर 1, अप्लाई इन एडवांस। यस, तो बात करते हैं क्यों पहले एडवांस में वीज़ा अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो ट्रिप प्लान करते हैं एक महीने पहले ही और 15 दिन बचे होते ट्रिप को और वो वीज़ा अप्लाई करते हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस में होता है क्योंकि सबके ट्रिप्स बहुत लंबे टाइम से प्लान करके रखे रहे ऐसा नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शंस हैं। बट अगर आप अच्छे प्लानर हैं, आप अगर बहुत सोच समझ के ट्रिप प्लान करते हैं, साल में एक ही बार ट्रिप करते हैं या आप यूरोप पहली बार ही जा रहे हो, तो मैं आपको कहूँगी कि आप वेल इन एडवांस अपना वीज़ा अप्लाई कर लो। वेल इन एडवांस से मेरा मतलब है या तो 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब भी आप अपना ट्रिप प्लान कर रहे हो सबसे पहले फ्लाइट टिकट बुक करने के बाद तुरंत आप अपना वीजा अप्लाई कर लो इफ यू आर श्योर अबाउट योर डेट्स। यस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका मैं आपको रीजन भी बताती हूं। जैसे हमारा ट्रिप अगस्त में है और हमने हमारा वीजा अप्लाई किया जून में। अप्लाई करने से हमें पता था कि सबसे पहले तो हमने अपॉइंटमेंट की डेट बुक कर ली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप शेंगेन वीजा अप्लाई कर रहे हो तो आपको शायद ना भी पता हो हमारी तरह, पहले हमें भी नहीं पता था कि हम अपॉइंटमेंट की डेट पहले ब्लॉक कर सकते हैं और उसके बाद हम अपने वीजा का फॉर्म फिल करें और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। ये प्रोसेस एक अलग से चलता रहेगा, बट अपॉइंटमेंट की डेट लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अकॉर्डिंगली आप वेल इन एडवांस प्लान करें, अपॉइंटमेंट ले सबसे पहले तो, और अगर आपका ट्रिप 6 महीने पहले प्लान हो गया है तब तो वेल एंड गुड है, और अगर आपका ट्रिप 2 महीने 3 महीने पहले प्लान हुआ है तब भी आप सबसे पहले वीजा अप्लाई करें, क्योंकि वो जरूर ये कहते हैं कि 15 दिन लगेंगे आपके वीजा को कंप्लीटली प्रोसेस होके आपके घर के, आपके एड्रेस तक पहुंचते। बट कभी कभी कुछ सर्कमस्टेंसेज में वो डिले भी हो जाता है, बीच में कुछ पब्लिक हॉलीडेज भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेज हैं। जैसे हमारे केस में ये हुआ था, कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी हमसे, तो उसके लिए उन्होंने हमें एक ईमेल किया था जो कि स्पैम फोल्डर में चला गया और स्पैम फोल्डर में हमने नहीं चेक किया और करीबन 10-12 दिन के बाद हमारे पास कॉन्सुलेट से फ़ोन आया कि आपके स्पैम में एक मेल होगा, आपको उसे चेक करके डॉक्यूमेंट्स जो हमने मांगे हैं वो आप हमें भेजिए। तो इस तरीके से हमारा जो वीज़ा प्रोसेस है वो 10-12 दिन डिले हो गया। मतलब फॉर एग्जांपल उन्होंने 26 जून को हमें मेल किया था तो हमारे पास कॉल आया 10 जुलाई को। कैन यू इमेजिन, उस दौरान हमने कई बार सोचा कि हम क्या कॉन्सुलेट में हमें फ़ोन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और इसी असमंजस में इतना ज़्यादा डिले हो गया। और ये किसी के साथ भी हो सकता है, सो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अपना वीज़ा वेल इन एडवांस प्लान करें, क्योंकि कुछ भी अगर गलत हो या फिर रिजेक्शन हो या कोई भी चीज़ ऐसी हो, डिले हो, तब फिर आपको अपना ट्रिप जो है वो एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास इनफ टाइम होगा अपना वीज़ा फिर से अप्लाई करने के लिए या डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए।
नंबर टू, योर डॉक्यूमेंट्स आर वेरी 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 इम्पॉर्टेंट. ऐसा नहीं है कि आप इतनी मोटी फाइल बनाकर लेकर जाओगे तो आपका वीज़ा अप्रूव हो ही जाएगा, या आप पतली बहुत ही कम डॉक्यूमेंट वाली फाइल लेकर जाओगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा. ऐसा बिल्कुल नहीं है. वैसे तो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको जस्ट ऊपर से बता देती हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरी है, ये सबको शायद पता ही होते हैं, बट स्टिल हमने जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे उसकी जो है मैं वन बाय वन आपको देती हूँ. तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका पासपोर्ट. डेफिनेटली वो 6 महीने के लिए वैलिड होना चाहिए जिस डेट आप अप्लाई कर रहे हैं तब से लेकर. तो आपका पासपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर टू इज योर फ्लाइट टिकट्स. रिटर्न फ्लाइट टिकट्स आपकी बुक्ड होनी चाहिए. हमने तो कंफर्म फ्लाइट टिकट्स डाली थी, लोग एजेंट्स और बहुत सारी जगह आपको देखने को मिल जाएगा कि आप डमी टिकट्स भी लगा सकते हो, बट हम उस चीज पे बिलीव नहीं करते. और हम थोड़ा ऐसा ऑनेस्टी के साथ हमने अप्लाई किया था, हमने बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं किया कि डमी टिकट्स और ये सब. बट हाँ, अगर आप कन्फर्म फ्लाइट टिकट लगा रहे हो तो एक चीज़ आप कर सकते हो जिससे कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट भी होता है तो आपको इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. आप फ्लेक्सी वाले टिकट लो जिसमें रिटर्न अगर आपकी फ़्लाइट कैंसिल भी करते हो तो उसका पैसा आपको वापस मिल जाता है. दो, जब आप इसे बुक करोगे तो थोड़ा अमाउंट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट उसके बदले में आपको आपके पूरे के पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं. तो मेक श्योर यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स विथ फ्लेक्सी सो दैट यू गेट your flight का amount back if in case ना हो. ऐसा मैं नहीं चाहती आपका वीजा रिजेक्ट हो, बट अगर हो इन केस तो आपके पैसे पूरे के पूरे वापस आ जाते हैं. नंबर थ्री, accommodations. हाँ बिल्कुल, शेंजन वीजा में यह है कि आपको अपने accommodation की booking दिखानी पड़ती है, और बहुत सारे वीज़ाज़ में नहीं है ये ज़रूरी, बट शेंजन वीज़ा में इट्स मस्ट. आप एक चीज़ कर सकते हो जैसा कि हमने भी किया था, हमने booking.com से सारी की सारी पे लेटर वाली बुकिंग की थी, और वो वैसे तब कन्फर्म्ड ही शो करता है, बट आप उसका पेमेंट जो है जब आप जाओगे यूरोप तब आप वहाँ पर पे कर सकते हो होटल में. तो आप booking.com से बुक कर सकते हो अपने अकोमोडेशंस. नंबर फोर, आई थिंक हाँ, फोर्थ डॉक्यूमेंट हमारा बैंक डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का. देन हमारे ITR, 2 साल के ITR रिटर्न. अगर आप वर्किंग नहीं हो, आप किसी के, फॉर एग्जाम्पल आप वर्किंग नहीं हो, आपके हस्बैंड वर्किंग है तो उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप उनके साथ ट्रैवल कर रहे हो. हमारे केस में मेरे और सागर के पास, दोनों के पास ITR रिटर्न है, तो हमने वो लगाए थे साथ में. एंड देन कवर लेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कवर लेटर में बेसिकली आपका पर्पस ऑफ विजिटिंग यूरोप, कौन सी कंट्री में आप कितने दिन स्पेंड करने वाले हो और कहाँ कहाँ, उसके बाद आप और भी किसी किसी कंट्री, जैसे हमारे केस में ऐसा है कि हम ज़्यादातर टाइम जर्मनी में स्पेंड कर रहे हैं, और उसके बाद जो है आसपास की कंट्रीज़ में हम 2-4 दिन ऐसे स्पेंड कर रहे हैं. तो जो मेजर टाइम आप जिस कंट्री में स्पेंड कर रहे हो, उस कंट्री का वीज़ा उस कंट्री के कॉन्सुलेट से आपको अप्लाई करना होता है. तो हमारे केस में जर्मनी था, तो हमने जर्मनी कॉन्सुलेट से अप्लाई किया. और अगर आप वर्किंग हो, आप जॉब करते हो, तो आपको अपनी कंपनी से छुट्टी का एक लेटर होता है, NOC होता है, वो आपको लगाना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा. एंड इफ़ यू हैव अ बिजनेस, देन आपके कंपनी की GST सर्टिफिकेट, आपके कंपनी की डिटेल, वो आप उसके साथ में अटैच कर सकते हो. सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आपको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही अच्छे से आप ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें लगाइए. और अगर कुछ मिसिंग भी होता है तो जब आप VFS के सेंटर जाते हो तो वहाँ पे जो भी स्टाफ है वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, बताएंगे कि ये वाला डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो आप तुरंत ही प्रिंट करवा सकते हो अगर आपके पास रेडी है. और नहीं है तो फिर शायद आपको वो वापस से करके फिर से अपॉइंटमेंट की डेट लेनी पड़ सकती है. ऐसा है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. सो दीज आर डॉक्यूमेंट्स जो कि बहुत जरूरी है. ये तो हो गया नंबर टू. नंबर थ्री, गो फॉर प्रीमियम सर्विस. अगर आप हमारी तरह पहली बार शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, आपको श्योरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों की, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हाउ आप सारे डॉक्यूमेंट अच्छे से जमा पाओगे, आप सारे डॉक्यूमेंट आपके सही है कि नहीं है, तो इसमें एक चीज़ एडिशनल आपको हेल्प मिल जाती है जब आप VFS के सेंटर जाते हो. सबसे पहले तो आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ही ईजी हो जाता है, आपको किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है. आप VFS सेंटर जाओगे, आपके डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट चेक होगा बाहर, बस खाली पासपोर्ट चेक होता है और अपॉइंटमेंट लेटर,
उसके बाद आप अंदर आ जाते हो, आपको एक लाउंज में बिठाया जाता है, लाउंज में आपको एक मैनेजर होगा जो वहाँ पे वो असिस्ट करेंगे स्टाफ एंड आपको सारी चीज़ें, आपका डॉक्यूमेंट वही सारे वन बाय वन अच्छे से प्लेस करेंगे इन योर फाइल और वो प्रोसेस जो है आपका वो हैसल फ्री हो जाता है। तो हमारा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था और हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी थी, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम प्रीमियम सर्विस ले लें। और दूसरी चीज़ जो इससे अच्छी होती है वो ये कि आपके पास नोटिफिकेशन मैसेज आते हैं। मैसेज सर्विस आप वैसे भी ले सकते हैं, जब आप अपना वीज़ा फॉर्म फिल करेंगे तब वहाँ पे आपको पूछा जाता है एंड में पेमेंट के टाइम पे कि आप कौन कौन सी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं। तो उसमें SMS सर्विस होता है और आपके घर आपको डिलीवर करवाना है अपना पासपोर्ट, वो सर्विस भी आप वहीं से ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमने प्रीमियम सर्विस ली थी तो उससे उसमें इंक्लूडेड था हमारा पासपोर्ट हमारे घर पे डिलीवर हो जाएगा। दो पासपोर्ट आपके घर से पिक नहीं होता है VFS में, वो भी एक अलग कैटेगरी है। अगर आपको अपने घर से सारा प्रोसेस चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, बट हमने जो लिया था वो जस्ट प्रीमियम सर्विस ली थी जिसमें हम VFS सेंटर गए तो वहाँ पे हमें एक असिस्टेंस मिला, हमें पता चला कि कैसे डॉक्यूमेंट को लाइनअप किया जाता है, कैसे क्या कोई चीज़ में कमी तो नहीं है, क्योंकि आप उनसे बात कर सकते हो खड़े होकर वहाँ पे और वो आपको हेल्प करते हैं बताने में कि यस ये चीज़ें यहाँ यहाँ पे ऐसे लाइन वाइज आप रख सकते हो एंड ऑल। सो ये एक चीज़ है जो कि हमारी तरह अगर आप भी लेना चाहते हो, दो इसका एक एडिशनल कॉस्ट है जो मैं यहाँ पे नीचे मेंशन कर दूंगी और एक नीचे लिंक भी डाल दूंगी VFS के वीडियो की, जिसमें आपको पता चलेगा कि प्रीमियम सर्विस लेने से क्या फ़ायदे होते हैं। नंबर 4 एंड वेरी इम्पॉर्टेंट, बी पेशेंट। या इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो जैसा मैंने स्टार्टिंग वाले फर्स्ट पॉइंट में भी मेंशन किया कि हमारा जो वीज़ा है वो लेट हुआ, हमारा वीज़ा प्रोसेस डिले हुआ, वो हमारी मिस्टेक से हुआ था क्योंकि हमने हमारा स्पैम फोल्डर चेक नहीं किया था। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, अगर आप गूगल में चेक भी करोगे पढ़ोगे तो बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है कि हमारे पास VFS से मेल आया या कॉन्सुलेट से मेल आया और वो स्पैम में चला गया, और मोस्टली वो स्पैम फोल्डर में ही जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके सब वो स्पैम फोल्डर डेली चेक करते हो, या करा भी है तो कई बार मिस हो जाता है जैसे, तो उसके लिए आपको पेशेंट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि बार बार कॉन्सुलेट में कॉल कर करके अगर आप पूछोगे तो आपका वीज़ा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा या फिर क्विक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऊपर से ये हो सकता है कि आप बार बार उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो तो आपका वीज़ा वो प्रोसेस ही ना करे, रिजेक्ट करके आपको आपका पासपोर्ट जल्दी भेज दे। सो इसके चांसेस ज़्यादा हैं। सो बी पेशेंट, उनको उनका टाइम जितना लगता है वो लेंगे, और अगर कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है तो जैसा हमें उन्होंने 10 दिन बाद कॉल कॉन्टेक्ट किया वैसा आपको भी करेंगे। अगर आपका वीज़ा प्रोसेस में कुछ उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए, या कई केसेस में वो आपको अपीयर होने के लिए भी बोलते हैं कॉन्सुलेट, कई केसेस में ये भी सुना है हमने कि वो ये मेंशन करते हैं आपका पासपोर्ट जब वीज़ा के साथ घर आता है तो उसमें एक लेटर होता है कि आप जब वापस आ जाए अपने ट्रिप से तो आप VFS सेंटर विजिट करें और वहाँ पे कंफर्म करें कि यू आर बैक। तो ये भी कंडीशन कई बार देते हैं वीज़ा के साथ। तो ऐसी बहुत सारी और भी कंडीशंस हो सकती है, बट इसका की ये है कि आप पेशेंट रहो, आप बार बार कॉन्टैक्ट करने की, मेल करने की, कॉल करने की कोशिश मत करो। Now last and final tip for everyone who are applying for Schengen visa is, I think मुझे number 1 पे भी मैं इसे रख सकती थी, but tip number 5 is कि अगर आप पहली बारी Schengen visa apply कर रहे हो और आपके passport में इससे पहले कोई visa नहीं है और आपने ज़्यादा country मतलब visit नहीं करी है, जैसे हमारे केस में हमारे पास US visa था, मेरा इससे पहले भी US visa है और अभी भी मेरे पास valid 10 साल का US visa है मेरे और सागर के पास, हम multiple countries visit कर चुके हैं। पर आपके केस में अगर ऐसा नहीं है, आप 2-3 कंट्री गए हो और आप अभी शेंजन वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा वीज़ा, डेफिनेटली मिलेगा, बट मेक श्योर यू शेयर द कॉन्क्रीट प्लान ऑफ योर ट्रिप और आप ये उन्हें
विश्वास दिलाओ अपने एप्लीकेशन के थ्रू कि यू विल कम बैक, यू हैव रीजन टू कम बैक टू योर कंट्री. उसके दो तीन चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई कि एक तो डॉक्यूमेंट, बहुत सारे लोग अब बहुत एडिशनल डॉक्यूमेंट लगाने की कोशिश करते हैं, लाइक अपने प्रॉपर्टी के, इन्वेस्टमेंट के. हाँ, वो आप लगा सकते हो, डेफिनेटली वो आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है, बट स्टिल वो सारी चीज़ें भी ना करके अगर आप एक वैलिड चीज़ कि आप अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब में आप NOC डालना बिल्कुल मत भूलो कि आपने लीव लिया है इतने दिन का और आप वापस आओगे, आपकी जॉब है यहाँ पर. दूसरा, अगर आप जॉब नहीं करते, आपका बिजनेस है, तो आपकी कंपनी का GST सर्टिफिकेट, आप ITR ऑब्वियसली फाइल करते होगे, GST फाइल करते होगे हर महीने की, तो आप वो उसमें अटैच करो डॉक्यूमेंट में. और कोई भी डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी छोटी सी गलती ना हो, ये आप बिल्कुल ध्यान रखो. और कवर लेटर, मेक श्योर wherever you are going to visiting someone or traveling or anything, cover letter बिल्कुल precise और आपका accurate होना चाहिए. So these are the things you have to make sure and be sure about it if you are applying your Schengen visa for the very first time. And I hope कि आपको भी आपका Schengen visa मिल जाएगा. And yeah, we are very excited for our trip to Europe. और मेरा birthday month भी है August, so I am more excited. And yeah, all the very best if you're applying for the visa. I hope you get your Schengen visa. And if you have still any questions, do let us know in the comment section. Hum definitely try karenge ki aapki query, aapke confusion ko comment section pe solve kar sake, hum aapke saath share kar sake. Aur yeah, agar channel ko abhi tak subscribe nahi kiya hai to subscribe to our channel. We'll see you with another video very soon, next week. Till then, tata, bye bye, namaste.